हेलो फ्रेंड्स, आई एम अक्षत अरोरा। टॉपिक है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन लार्ज सैंपल्स। पहले वीडियो में हमने समझा था कि टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए जब हमको नेचर ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस दी हो जाती हैं और या फिर नंबर ऑफ सक्सेसेस प्रोपोर्शन में दी जाती थी तब। लेकिन अभी तीसरा हेड है कि सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस ऑफ टू सैंपल्स। जब दो सैंपल्स में के प्रोपोर्शंस दिए हों और हमें टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस करना हो तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है कि वेदर द डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शंस ऑफ टू सैंपल्स इज सिग्निफिकेंट। क्या वो जो डिफरेंस आ रहा है वो सिग्निफिकेंट है दो सैंपल के बीच में, जो आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है स्टैटिक के माध्यम से, जेड के माध्यम से, और हैज अराइजन ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ रैंडम सैंपलिंग, या फिर रैंडम सैंपलिंग की वजह से वो फ्लक्चुएशन है, मतलब सिग्निफिकेंट है या अनसिग्निफिकेंट है, ये देखना है। तो हमको यहाँ पर ये हेड हमने लिया है कि दो सैंपल्स हैं, एक ही सेम पॉपुलेशन से लिए गए, एक सेम पॉपुलेशन से लिए गए, या फिर अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए, दो अलग अलग सैंपल हैं, दो अलग पॉपुलेशन से लिए गए वो दो सैंपल हैं ये। तो उसमें उसको में देखना कि डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो क्या करेंगे कि उसको रैंडमली सैंपल ले लिया गया, रैंडमली सैंपल ले गए गए और उसमें और हमने ये मान लिया कि जो दो प्रोपोर्शंस हैं उसको हमने P1 और P2 से डिनोट करा है, जो जिसको कि उसमें ये कर लिया कि ये दो सैंपल लिए गए हैं वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए, ऐसा हमने मान लिया, परिकल्पना कर ली, न्यूल हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली, या फिर इसको इस तरीके से कहें कि जो प्रोपोर्शंस है एक ही पॉपुलेशन से लिए गए, जो सैंपल्स का प्रोपोर्शन है उनमें डिफरेंस जीरो है, या इसका मतलब यह है इसको इस तरीके से सकते हैं, या दोनों जो डिफरेंस है वो बराबर है। इसको दो दो अलग अलग पॉपुलेशन से लिए गए भी हो सकते हैं, सेम पॉपुलेशन से भी हो सकते हैं या अलग अलग पॉपुलेशन से भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक हमने नल हाइपोथेसिस क्रिएट कर ली कि P1 - P2 = 0 और P1 = P2। सबसे फर्स्ट प्राइमरी चीज़ तो ये हमने एक हो गई। सेकेंड स्टेप में प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स प्रोपोर्शन करते हैं, हम पैरामीटर्स की पॉपुलेशंस के का प्रोपोर्शन क्रिएट करते हैं, मालूम करते हैं, ज्ञात करते हैं। क्या होता है उसको पी ओरिजिनल से डिक्लेयर करते हैं इक्वल टू P1N1 + P2N2 / N1 + N2। इट मीन्स ये है कि जो पहले सैंपल में ऑब्जर्व की गई यूनिट्स हैं उसको हम प्रोपोर्शन से, पहले सैंपल के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरीके से उसमें प्लस करते हैं जो सेकंड सैंपल्स में हमने ऑब्जर्व यूनिट है और उसके प्रपोर्शन से, सक्सेस वाले प्रपोर्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, और बाई N1 + N2 जो ऑब्जर्व यूनिट फर्स्ट सैंपल की है और सेकंड यूनिट की, उनको प्लस करके डिनोमिनेटर में रखते हैं। इसकी अनसक्सेस क्या होगी, क्यों पैरामीटर्स की प्रपोर्शन, पैरामीटर प्रपोर्शन की अब यहाँ पर अनसक्सेस वाली क्यों निकालते हैं, क्यू इक्वल क्या होगा 1 - P ओरिजिनल, ठीक है, पैरामीटर्स की प्रोपोर्शन को। तो ये हो गया सेकंड स्टेप में एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स प्रोपोर्शन के लिए। थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, SE स्टैंडर्ड एरर ऑफ द डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस। चूंकि ये फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल के बारे में के तौर पे देखा जा रहा है इसलिए ऐसा लिखा है, SD का SE का मार्क लगा के लिखा जा रहा है। जो पैरामीटर्स की हमने प्रोपोर्शन निकाली थी P और Q वो यहाँ पर रखी है इन स्क्वायर रूट, और 1/N1 जो ऑब्जर्व यूनिट फर्स्ट सैंपल की है प्लस 1/N2 सेकेंड सैंपल की ऑब्जर्व यूनिट डिनोमिनेटर के तौर पे रख दी गई है। इसको हम फॉर्मूले को लगाते हैं और इंटरप्रिटेशन किस तरीके से करते हैं, इंटरप्रिटेट कि जो हम सक्सेस फर्स्ट सैंपल से है उसका उसको सेकेंड सैंपल से डिफरेंस खोजते हैं और बाई ऐसे ही करते हैं, भाई ऐसे ही करते हैं। अगर ये चीज़ 1.96 से लेस है या 2.58 से लेस है, अगर हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कर रहे हैं या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कर रहे हैं तो इसको देखेंगे, या फिर 1 को करें तो इसको देखेंगे। अगर ये जो आ रही है अमाउंट ये लेस है इससे या फिर इससे, जिसकी की बात हो रही जो कि हमारे क्वेश्चन में बताया गया हो, अगर ये कम है तो वो हमारा जो डिफरेंस होगा उस नॉट कंसीडर सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट होगा। इसी के आधार पर हम कहते हैं जब ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो हमारे नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट कर लेते हैं,
और अगर ये ज़्यादा होगा तो निल हाइपोथेसिस हमारी रिजेक्ट हो जाती है। और इसी के आधार पर जब ये कंसीडर हम नहीं करते हैं, ये कम होता है, तो कह सकते हैं द डिफरेंस इज रिगार्डेड एज ड्यू टू सैंपल रैंडम सैंपल फ्लक्चुएशन, रैंडम सैंपल फ्लक्चुएशन की वजह से ये डिफरेंस है, इसलिए इसको छोड़ दिया जावे। एक कंडीशन और है इसके अंदर, क्या कि अगर ए आर नॉट सेम इन टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन की बात हो रही है में अगर जो सक्सेस वाली बात की जाए, जैसे कि यहाँ पर ये जो पिछले पिछले इस वाले हेड में बात कर रहे हैं, जो प्रपोर्शन है वो एक ही पॉपुलेशन से ली गई, मतलब वो जो ए की बात हो रही है, जो इसमें सक्सेस यहाँ पर सक्सेस की बात हो रही है, वो एक दोनों सैंपल में एक ही जैसी होगी। जब सक्सेस दोनों में अलग अलग हो, दोनों सैंपल में सक्सेस ए जो है वो अलग अलग हो, तो ये वाला फार्मूला ऐसे ही का नहीं लगाते हैं, उसकी जगह ये वाला फार्मूला लगता है। उसमें यहाँ पर ऐसी को तो लिखेंगे लिखेंगे वो P1Q1 हो जाएगा, ये वाला ना लगे कि P1Q1 बाई N1 हो जाएगा प्लस P2Q2 बाई N2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। अगर एज जैसा कि सक्सेस ऊपर हमने देखी है दोनों सैंपल में एक जैसी होती है, अगर एक जैसी ना हो तो यहाँ पर ये अलग वाला फार्मूला लगाते हैं। दूसरा हेड, एक तो ये हेड हमने समझ लिया कि कब जब प्रपोर्शन दी हुई हो दोनों सैंपल्स में, तब हम कौन सा ऐसी का फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर हमको कंपैरिजन करना हो, एक सैंपल दे दिया गया और एक पॉपुलेशन से कंपेयर करना हो, इसको इस तरीके से कहा जाए कि कंपैरिजन विद कंबाइंड रेशियो ऑफ एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स को हम एट्रीब्यूट्स कंबाइंड रेशियो ऑफ एट्रीब्यूट्स को का कंपैरिजन करना हो, मतलब एक सैंपल से पॉपुलेशन का कंपैरिजन करना हो, तो हम कौन सा वाला फार्मूला लगाते हैं, तो ऐसी का फार्मूला चेंज हो जाता है। चूंकि पॉपुलेशन में वो सैंपल भी होगा, तो एक सैंपल दिया गया है और फिर पॉपुलेशन की बात की जा रही है, और वो जो सैंपल है वो पॉपुलेशन के अंदर ही है, तो P0Q0 पैरामीटर की हमारी जो प्रपोर्शन है उसको लिखेंगे। N2 जो सेकंड, N2 का मतलब यहाँ पर है कि साइज ऑफ इसको इस तरीके से कहते हैं कि इसको एक बार पढ़ देते हैं, N2 बाई N1 ब्रैकेट में N1 प्लस N2, और सिंप्लीफाई इसको जब करेंगे तो इसका आया, इसको अभी क्लियर भी करेंगे, और कि P0Q0 ये आ गया और N2 ये और N1 प्लस N2 ये और N1 ये सब मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इसलिए इसको इसे इस तरीके से सिंप्लीफाई करके स्क्वायर रूट में लिख दिया गया है। इसको क्लियर करें फार्मूलों को, तो ये है कि P0 जो पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन है, P0 अगर Q0 कह दे, Q ओरिजिनल कह दी जाए, या हम अनसक्सेस वाली बात कह दें, तो 1 माइनस P हो जाएगा वो। N1 जैसा कि बताया था, N1 सीधी सीधी बात है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल की बात है, इस चीज को समझ लेना जरूरी है कि N1 जो है वो तो सैंपल के ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। N1 और N2 मिल के साइज ऑफ पॉपुलेशन बनता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन N1 प्लस N2 को मिला के साइज ऑफ पॉपुलेशन था, तो N2 की मात्रा क्या होगी, ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि साइज ऑफ पॉपुलेशन से N1 सैंपल वाला घटा दें तो वो N2 हो जाएगा, तो यहां पर कहा जाएगा तो N2 वो हम गैप वाली ऑब्जर्वेशन लिखेंगे यहां पर, और N1 सैंपल वाली और N2 जो गैप वाली है, टोटल गैप पॉपुलेशन के हिसाब से रेशियो हम कंबाइंड रेशियो ऑफ एट्रीब्यूट से देखेंगे, SE देखेंगे इस फार्मूले से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।